KGF, सिनेमा से प्यार करते हो तो ये नाम सुनने की आदत डाल लो। जब टीजर आया तो पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स टूट गए। हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर, रॉकी द मॉन्स्टर ने इंडियन सिनेमा को हिला के रख दिया। अब एक कदम आगे बढ़ो, टीजर के बाद क्या आता है? ट्रेलर। ट्रेलर के बाद थिएटर में फिल्म कब आएगी, इस सवाल का जवाब। लेकिन बॉस, एक गुड न्यूज है, बीच वाला स्टेप गायब हो गया है। फैमिली प्लानिंग, वेकेशन, ऑफिस की छुट्टियां, ये सब छोड़ो, कैलेंडर खोलो और निशान लगा लो। 2021 में एक नए फेस्टिवल शुरुआत होगी। KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट आ चुकी है, तैयार हो। 16 जुलाई 2021 धमाका होने वाला है, वो जिसके शोर में पूरी दुनिया बहरी हो जाएगी और बॉक्स ऑफिस पे पैसों की बारिश हो जाएगी। इस बार फिल्म में स्पेशल क्या होगा? चैप्टर 1 देखा है, रॉकी भैया KGF पहुंच गए थे और गरुड़ा को कुर्सी से हटा भी दिया। लेकिन राजा बनना आसान नहीं है, दुश्मनों की पूरी फौज खड़ी है। गैंगस्टर तो पहले से ही बहुत सारे हैं, पीछे से अधीरा जैसा राक्षस कुर्सी पे बैठने का सपना देख रहा है। और पॉलिटिक्स की नंबर 1 लीडर रमिका सेन भी रॉकी को जेल के पीछे डालना चाहती है। मुद्दे की बात ये कि फिल्म का लेवल पिछले पार्ट से 100 गुना ऊपर होगा। एक्शन सीन्स ऐसे जिनके सामने हॉलीवुड में बच्चा लगेगा। और जो ये पॉलिटिक्स पावर का फ्यूजन है वो KGF चैप्टर 2 का एक्सपेक्टर साबित होगा। इतनी तारीफ क्यों हो रही है सोच रहे होंगे। फिल्म की थीम एक्शन थ्रिलर है, सॉलिड मार्ट हार्ट, लेकिन सेंटर में इमोशन है। माँ बेटे का स्पेशल बॉन्ड, एक ऐसा प्रॉमिस जो फाइनली थिएटर्स में पूरा होने वाला है। दूसरी खासियत, पी फॉर पावर, पी फॉर पैसे से नहीं, पी फॉर पब्लिक से आती है। ये मैसेज KGF का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको लॉजिकल एक्शन फिल्म बनाता है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, फिल्म थिएटर में आने से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई शुरू कर चुकी है। क्या सोच रहे हो कैसे? एक्सेल एंटरटेनमेंट फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी, जिसने KGF चैप्टर 1 को हिंदी में रिलीज किया था, वो KGF चैप्टर 2 के राइट्स ऑलरेडी खरीद चुके हैं। मजे की बात ये, इस बार पैसा 7 गुना ज्यादा लगा है, ऑलमोस्ट 90 करोड़ में फिल्म के हिंदी राइट्स बेचे गए। समझे या नहीं, यश बॉस अब साउथ नहीं पूरे इंडिया पे रूल करते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा है ऐसा बिल्कुल नहीं। टीजर के आने के बाद फिल्म के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज की लाइन लग गई है। पहली दिक्कत, टीजर में डाले गए कॉपीड सीन्स, जिनकी वजह से डायरेक्टर प्रशांत नील पे 0 क्रिएटिविटी का इल्जाम लगाया गया है। दूसरी दिक्कत, टीजर में डाले गए स्मोकिंग सीन को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस आ चुका है और टीजर को यूट्यूब से डिलीट करने की बात कही गई है। और आखिरी में कुछ ऐसे महारथी भी हैं जो टीजर पे आने वाले रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज और लाइक्स दोनों पे सवाल उठा रहे हैं। पैसे देकर सब कुछ खरीदा गया है नकली रिकॉर्ड्स बनाने को, ये रिपोर्ट्स मार्केट में खूब उड़ाई गई है। लेकिन अंदर की बात बताऊं, पूरा मामला जलन का है। अगर बराबरी नहीं कर सकते तो उनको बदनाम ही कर लो, बाकी समझदार को इशारे काफी है। वैसे एक गुड न्यूज ये भी है कि अगर आप यश बॉस के कट्टर फैन हो तो उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी अनाउंस होने वाला है। डायरेक्टर कौन है पता है? शंकर सर, जो 2.0, इंडियन और नायक जैसी लार्जर देन लाइफ मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं। यश वाली फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा होने वाली है जिसकी शूटिंग ऑलमोस्ट 4 साल तक चलेगी। लास्ट में बस इतना बोलूंगी, एक तरफ जहां पर साउथ इंडस्ट्री एक के बाद एक थिएटर्स में अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स थिएटर छोड़कर OTT की तरफ बढ़ चुके हैं। कंक्लूजन, सरनेम और बजट से कुछ नहीं होगा, अब मार्केट में रहना है तो कॉन्टेंट में फोकस करिए। फिलहाल KGF चैप्टर 2 की तैयारी शुरू कर दो। रॉकी द मॉन्स्टर इज कमिंग बैक। बाकी